नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, फिर रामलला मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी और पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर के आर्किटेक्ट और कारीगरों को सम्मानित किया। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में इस कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम के लिए राम जन्मभूमि परिसर में भव्य पंडाल लगाया गया था। सीएम योगी ने अपने अयोध्या दौरे पर रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखने के बाद कहा कि पिछले 500 सालों से देश के साधु संत राम मंदिर को लेकर आंदोलन चला रहे थे, आज उन सभी को खुशी हुई होगी। उन्होंने कहा कि तैयार होने के बाद ये मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को, पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक। जहां एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके कर्मचारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं सरकार की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा में भी एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर चकिया तहसील क्षेत्र में तैनात रोजगार सेवक ने अपने घर वालों का मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाकर सालों से मनरेगा की मजदूरी का लाभ ले रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। नाम सुरेश प्रसाद है, मैं चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक से बोल रहा हूँ। सोनहुल गांव में रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा में किए गए भ्रष्टाचार का शिकायती पत्र माननीय DM साहब के यहाँ दिया हूँ। जी, उसके रोजगार सेवक द्वारा अपने भाई जो एडवोकेट है, उसकी भाभी, उसके माता पिता जो नरेगा में काम करते हैं, जबकि कभी भी कम सच्चाई में काम नहीं किए हैं, ये शिकायत जो है मैंने चेकियाँ भी SDM को और BDO को दिया था, जिसके तहत कार्रवाई अभी नहीं हुई है। मनरेगा SOP के अंतर्गत इस तरह की प्राप्त शिकायतों की जाँच जिला स्तरीय अधिकारी से कराई जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके अनुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। खबर बिजनौर से है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर की जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इसके लिए उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। पुलिस अफसरों की ये गश्त पुलिस कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गो, चौराहों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगह पर रही। इस दौरान सड़क पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। देखिए, प्रतिदिन की भांत आज भी शहर बिजनौर में संवेदनशील स्थानों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां पे हैं उनका पैदल भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जो लोग सड़क से बाहर निकाले हुए हैं सामान, उनको अंदर करने के लिए बताया गया और उनकी कुशल क्षेम जानी गई। बाकी इस रूटीन का खबर बुलंदशहर से है, जहां अस्पताल के सामने से दिन दहाड़े 7 साल के बच्चे का बाइक सवार दो बदमाशों ने अपहरण कर लिया और घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। तो वहीं SSP बुलंदशहर समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुट गए हैं। थाना डिबई में CHP पड़ता है, इसके बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इनमें से बच्चों ने ये बताया कि एक इनके साथ एक 7 साल का लड़का था,
जो कि कुछ लोग आए मोटरसाइकिल पे और उनके साथ बैठ के चला गया, ये बोलकर कि ये उनके एक परिचित व्यक्ति के दोस्त हैं। परिवार द्वारा इस बच्चे की खोजबीन की गई, नहीं बच्चा मिला, तब उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में हम लोगों ने थाने पर मुकदमा पंजीकृत। खबर बुलंदशहर से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। घायल को पुलिस ने उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है और उधर फरार बदमाश की तलाश के लिए जंगल में कॉम्बिंग करने में जुट गई है। घटनाक्रम ये था कि आज सिकंदराबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो भागे संतपुरा नहर की तरफ, पुलिस ने पीछा किया और पुलिस के पीछा करने पर उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उनके द्वारा जवाबी फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, उसमें एक जो मुस्तकीम था उसके पैर में गोली लगी है, दूसरा जो आदमी था वो भाग गया है, उसकी तलाश कराई जा रही है। मुस्तकीम को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। और खबर बहराइच से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने कई जगह पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दबिश के दौरान लगभग 165 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है और लगभग 500 किलो लहन नष्ट कर दी गई है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। आबकारी विभाग की टीम द्वारा थाना रामगांव, थाना महसी, थाना नानपारा और थाना प्यागपुर अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 165 लीटर अवैध शराब बरामद हुई और 1000 केजी लहन बरामद किया गया, जिसको मौके पर नष्ट किया गया तथा साथ ही 8 अभियुक्त पंजीकृत किए गए और 3 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार लगातार अवैध शराब विरुद्ध अभियान। खबर फिरोजाबाद से है, जहां दबंगों ने मंदिर की दीवार तोड़कर देवी देवताओं को कैद कर ताले डालकर मंदिर के अंदर कुर्सियां रखकर पूजा अर्चना पर रोक लगाई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर कहा कि दबंगों ने दबंगई के बल पर मंदिर की दीवार तोड़कर कब्जा कर लिया है और ये जगह अपनी बताते हैं और हमें इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी रोक रहे हैं, जिसके पुराने कागजात हमारे पास मौजूद है। ये आज जो काली देवी मंदिर है, कुछ लोगों ने यहाँ जो है इस पर कब्जा कर लिया और पीछे जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें कुर्सियाँ रख दी गई और दीवार तोड़ करके खोखा अंदर रख दिया गया है। तो मैंने अभी डीएम साहब से कहा, एडीएम महोदय से कहा, पुलिस आ गई है और ये सारी कार्रवाई जो है इस खोखा को हटाने का जो है जिम्मा पुलिस ने अपने ऊपर ले लिया है, एडीएम साहब ने दिलवा दिया है। पट्टी होती है वही नहीं कि नहीं बचा भी है, नहीं ये दीवार भी तोड़ी गई है, इसमें खोखा रखे गए हैं और ये मंदिर को बंद कर रखा है, क्या मामला? हाँ तो ये नहीं पूछो इनका क्या मंदिर का या बाप का है। खबर कन्नौज से है, जहां खाना खाने के बाद मां पिता सहित भाइयों की अचानक हालत बिगड़ गई, जिसकी चीख पुकार सुन पहुंचे पड़ोसियों ने आनंद फानंद में पुलिस को सूचना देकर सबको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत चिंताजनक होने पर डॉक्टर ने सभी को रेफर कर दिया है। तो ग्रामीणों ने इस मामले में प्रेम प्रसंग के चलते जहर खिलाने की आशंका जताई है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पर वजह ये है कि कुछ जहर का मामला सामने आ रहा है। किसने जहर दिया? ये एक लड़की है, इनकी पुत्री, उसी का काम है। लड़की के ये लोग कौन है? माता पिता, भाई बहन। भाई दो भाई हैं और माता? हाँ। दो भाई और माता पिता? दो भाई माता पिता। कब की घटना है ये? आज रात की है। अभी कहाँ पे भर्ती है? जिला अस्पताल में। 4 मरीज एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल कन्नौज में लाए गए हैं। ये आटी गाँव के रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, जिनको कि दौड़ा आना, झटका तेज आना और बेहोशी अवस्था में लाए गए। फिलहाल प्राथमिक उपचार दे दिया गया है।
संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के भोपत पूर्वक गांव में खेत पर सोते समय बदमाशों ने किसानों के सिर पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब मृतक चंद्रपाल के परिजन सुबह खेत पहुंचे तो उन्होंने खेत में मौजूद चारपाई पर मृतक का शव देखा, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शव के आधार पर पुलिस मृतक के दो परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तीन दिन पहले गए हैं। आज से तीन दिन पहले क्या बात थी? आज से तीन दिन पहले तो भी आदमी गए तीन मोटरसाइकिल से। अच्छा। तो उनके राखी बंध रहे थे, हम ही नरा रहे बहुत दूर, हमारी पहचान में ना इतनी देर में, हम आए इतनी देर में तो बाइक को ले गए। फिर आगे को एक लोंडा वहाँ पानी लगा रहा था, तो वहाँ दो तो चले गए बाइक पे ही और एक बाकी पास ही रह गया। फिर मैंने उसकी शक्ल वगैरह ना देखी कौन शक्ल थी। थाना रजपुरा के अंतर्गत आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भौपतपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम चंद्रपाल है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, इनकी किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिर पर मारकर हत्या कर दी गई है। ये रात में अपने खेत पर मढ़िया में सोए थे, पास में ही दूसरे खेत में इनके परिवार के अन्य व्यक्ति भी मढ़िया में थे। रात के समय में परिवार के ही दो व्यक्तियों को बुलाकर उनसे शक के आधार पर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आशनाई का प्रतीत हो रहा है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य वैधानिक। खबर संभल से है जहां किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने से किसान नाराज हैं और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बहजोई मुख्यालय पर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा राकेश टिकैत को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर संवैधानिक कार्यवाही की जाए। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने संभल के बहजोई मुख्यालय पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत का कर्नाटक के बंगलोर में गांधी हॉल में कार्यक्रम था, वहाँ एक बीजेपी समर्थक ने उन पर एक माइक से हमला किया, स्याही डाली गई, जिसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं पूरे देश में आक्रोश है। आज यहाँ कई हजार किसान होता, वो हमारे देश नेताओं का निर्देश था कि भाई आक्रोश है कम से कम संख्या में पहुँचे, तो आज उसको हम यहाँ से प्रदर्शन करेंगे। यहाँ जुलूस के रूप में हम लोग जिला कलेक्ट्रेट संभल के तक। खबर उन्नाव से है जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की एक दलित महिला ने सपा नेता पर भूमि कब्जे का आरोप लगाया है और सीएम आवास के बाहर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद एसपी को सीएम कार्यालय से तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वहीं सख्ती के चलते देर रात सपा जिला महासचिव समेत पांच लोगों पर SC/ST और मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सपा नेता और उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया। मनोहरपुर की रहने वाली मूर्ति देवी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव एवं उसके साथियों के द्वारा जमीन कब्जा किए जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए श्रीमती मूर्ति देवी के प्रार्थना पत्र पर थाना गंगा घाट में सुरेश पाल व उनके साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया और तत्काल ही नामजद अभियुक्त सुरेश पाल, धीरज व बाबूलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजने की। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।